नमस्कार, मेरा नाम उमा त्रिभुवनदास सरवैया, मैं मराठी मीडियम सिलवासा प्राथमिक स्कूल से हूँ। और मैं पहले तो जेड़ाया ईआई अरविंद सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा आइडिया मुझे रजू करने का उन्होंने ही प्रोत्साहित किया। पहले तो मुझे अरविंद सोसाइटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके द्वारा एक ट्रेनिंग आयोजित किया गया और उस ट्रेनिंग के द्वारा हमको पता चला कि हम जो स्कूल में जो जो बच्चों को सिखाने के लिए जो जो आइडिया हम सिखाते हैं वो आइडिया हम पेश कर सकते हैं और उस आइडिया का दूसरे टीचर भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि दूसरे टीचरों का जो आइडिया है वो हमने उपयोग किया, वैसे हमारे टीचरों हमारा जो आइडिया है वो दूसरे टीचर उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि एक से भला दो, ऐसी आइडिया हमको जेड़ाई ने दी, इसलिए मैं दोबारा उसका धन्यवाद किया थे। और मेरा आइडिया का नाम है सुनो और लिखो, दूसरा मैंने उसको दूसरा ही नाम दिया था परिसर मादा शिक्षा। मैं मराठी मीडियम से हूँ लेकिन मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इसलिए परिसर मादा शिक्षक इसका मीनिंग होता है परिसर ही मेरा शिक्षक। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब मेरा पोस्टिंग जिस गांव में हुआ था वहां पर मराठी मीडियम का स्कूल तो था लेकिन वो बच्चे मराठी बोली भाषा में बोलते थे। मतलब कि मराठी जो हमारी बुक की लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज और जो उनकी बोली भाषा है दोनों में बहुत डिफरेंट था। वो जो बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता था कुछ कुछ शब्द, और मैं बोलती हूँ उनको समझ में नहीं आता था। उनको लगता था कि ये जो टीचर पढ़ा रही है वो शब्द हमने अब तक तो सुने ही नहीं है, उनको उनको मीनिंग नहीं समझ में आता था, इसलिए वो मुझसे बोलते नहीं थे, संकोच अनुभव करते थे। संकोच के कारण कुछ बोल ही नहीं पाते थे, जिनको आता है वो भी जिनको नहीं आता है। फिर मैंने एक आइडिया यूज किया, उन आइडिया के द्वारा मैंने उनको कहा कि आपको जितने शब्द आते हैं या फिर जो आप सोच रहे हो कुछ या बोलते हो वो शब्द आप लिख के लाओ या फिर बोर्ड पे लिखो, घर पे जाके लिखो बट लिखो, और जिनको नहीं लिखना आता है वो भी लिखो जैसे भी लिखना आता है। जब जिनको लिखना नहीं आता है वो जब घर से स्कूल से घर जाएंगे तो जो दिखता है वो शब्द लिखते रहेंगे, वो घर पे अपना बड़ा भाई है या फिर कोई पड़ोस में पढ़ा हुआ है उनसे चेक करवाइए कि जो हमने लिखा है उसका काना मात्रा सब सही है क्या। और जो बच्चे जिनको लिखना आता था वो बच्चे शब्द मुझे आकर दिखाते कि वो मैंने लिखा है, फिर वो शब्द मैं मेरे सहकारी शिक्षक से पूछती थी ये शब्द का मीनिंग क्या होता है। फिर मुझे पता चला फॉर एग्जाम्पल लगिन, जिसको मराठी में लग्न कहते हैं उसे हम इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। फिर मैं बच्चों को बताती थी कि आपने जो लिखा है लगिन वो सही है लेकिन उसका मराठी में लग्न कहते हैं, उसका मैरिज या इंग्लिश में वर्ड है। मतलब कि एक ही शब्द से वो अपनी मराठी भाषा भी सीखते थे, उनका मीनिंग भी सीखते थे और मैं अपोजिट भी सिखाती थी, जैसे जिसको हम छोटा कहते हैं उसको वो लहान कहते हैं, मराठी में उसको लहान बोलते हैं तो वो चिंगुरला बोलते हैं या फिर चिमुड़ा बोलते थे। मतलब कि उनको तीनों लैंग्वेज का नॉलेज हुआ, इस तरह से उनकी इम्प्रूवमेंट इतनी हुई कि उनकी वोकैबुलरी होके उनकी वोकैबुलरी तो बढ़ती गई लेकिन वो जो संकोच अनुभव करते थे ना वो संकोच बोल बिल्कुल भी निकल गया, उनके मन से डर ही निकल गया कि वो टीचर हमारे से कुछ अलग है, वो हमारे में इतने इन्वॉल्व हुए। आज में मेरा आइडिया मुझे यहाँ शेयर करने के लिए अरविंद सोसाइटी ने मुझे जो चांस दी है इसके लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।